कौशाम्बी जिले में बिन मौसम हुई बारिश ने किसानों का बड़ा नुकसान कर दिया है। बरसात से खेत में खड़ी गेहूं की फसल और खेत में काट कर रखी हुई फसल भीग गई है। बारिश में गेहूं भीगने से किसान परेशान हो गए हैं। बारिश के चलते गेहूं की कटाई हफ्ते भर पीछे हो गई है। वहीं बारिश में भीगा हुआ गेहूं काला भी पड़ सकता है। जहां एक ओर खेत की फसल की कटाई बंद हो गई है, वहीं भीगा हुआ गेहूं नुकसान पहुंचा रहा है। किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश के चलते गेहूं भीग गया है और जिसकी वजह से बीज भी तैयार नहीं हो पाएगा। खेत में कितना नुकसान हुआ होगा? खेत में है, बारिश होने की वजह से काफी नुकसान हो गया है। कटाई चालू थी, लगभग एक हफ्ते के लिए निकल गई है। गेहूं भी खराब हुए होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत गेहूं भी खराब हुए। कटाई रुक गई है और खेत में जो कट के गेहूं भीग गए हैं, नुकसान हुआ है काफी मजे के। सरकार से की तरफ से कोई फायदा मिलने की आशंका है? अब सरकार की मर्जी की बात है और क्या कहें। पहले नुकसान हुआ है? हाँ, नुकसान तो हुआ। क्या नाम है आपका? सीताराम पटेल।